हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो क्वेश्चन आप सभी के माइंड में चल रहा होगा कि मैम कौन से नंबर से लैंग्वेज वन स्टार्ट होगा और कौन से नंबर से लैंग्वेज टू स्टार्ट होता है, तो आपका ये कंफ्यूजन आज दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो मैंने अभी सबसे रिसेंट के क्वेश्चन पेपर को लिया है। ये जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर वन। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक आप लैंग्वेज वन को टच करोगे और कहाँ से कहाँ तक आप लैंग्वेज टू टच करोगे। आपका लैंग्वेज वन कौन सा रहेगा, किस लैंग्वेज वन को कब आप करना है, किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, वो सब चीज़ें आपको आज मैं समझाने वाली हूँ। सबसे पहले जो होता है क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है वन से। आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर वन जो होता है वो आपका स्टार्ट करेगा वन से, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आपकी CDP आती है। क्या आती है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी आएगी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये क्वेश्चन नंबर वन से 30 तक रहता है, यानी कुल 30 क्वेश्चन है ना। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है मैथ्स, यानी आपको यहाँ पर 30 तक आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको CDP के क्वेश्चन, यानी सबसे पहले आपको CDP के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे CDP खत्म होगी और आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके मैथ के कंटेंट्स, मैथ कैलकुलेशन प्लस पेडागॉजी के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कभी कभी लगातार पेडागॉजी के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद मैथ्स कंटेंट आ जाते हैं, या तो मिक्स फॉर्म में आपको मिलेगा। ये डिपेंड करता है CTET पर, ठीक है। तो पार्ट टू जो आएगा, पार्ट फर्स्ट में आपको CDP मिला, पार्ट टू जो आपको मिला वो है आपका मैथ्स। अब आप उसके बाद CDP के बाद आपको मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना, मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद फिर आप बढ़ोगे आगे और आपको मिलेंगे, अगर आप पेपर वन दे रहे हो तो आपको EVS के क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने लिया है, ये पेपर वन का लिया है। पेपर टू वालों के लिए भी मैं अलग से एक और वीडियो लेकर आऊँगी कि उनको उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन लगभग जब आप लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू अटेम्प्ट करते हो तो दोनों पेपर के लिए सेम है, आप इसी को मान के चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मैथ्स यहाँ पर 60 नंबर पर ख़त्म हो जाएगा और आपका उसके बाद EVS स्टार्ट हो जाएगा। देखिए EVS पार्ट थ्री में, यानी पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, है ना। उसके बाद पार्ट टू में हमने देखा मैथ्स, यानी पार्ट फर्स्ट में हमने देखा CDP, ठीक है। पार्ट सेकंड में हमने क्या देखा, हमने देखा मैथ्स, ठीक है। और पार्ट थर्ड में आपका आ जाता है, यानी भाग तीन में आएगा आपका EVS, यानी इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। अब इसके बाद मेन गेम स्टार्ट होता है यहाँ पर लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू का। अब आपको कैसे करना है, जिस बच्चे ने लैंग्वेज वन हिंदी लिया है वो कहाँ से कहाँ तक आप बनाओगे, है ना, आपको कौन से नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे आपको 90 नंबर तक EVS चलेगा, है ना, 90 नंबर तक आपको EVS के क्वेश्चन दिखेंगे। यानी पहले आपकी CDP के 30 क्वेश्चन, फिर मैथ्स के 30 क्वेश्चन, फिर EVS के 30 क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली ये सारे क्वेश्चन करोगे। आपको क्वेश्चन नंबर का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा कि कौन सा किसका क्वेश्चन नंबर है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आप आ रहे हो मेन पॉइंट पर, आ गया आपका लैंग्वेज वन। जिन बच्चों ने लैंग्वेज वन इंग्लिश लिया है, याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है और आपने लैंग्वेज वन में इंग्लिश लिया है तो आपका स्टार्ट हो जाएगा पार्ट फोर, लैंग्वेज वन इंग्लिश। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट फोर, यानी क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट फोर, क्वेश्चन नंबर 91 से 120, इफ दे हैव ऑप्ट फॉर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वन ओनली। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज वन के रूप में लिया है, और जनरली इंग्लिश को लैंग्वेज वन कौन लेते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो वो 91 नंबर से लेके 120 तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया जिन्होंने लैंग्वेज वन इंग्लिश लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये 120 तक लैंग्वेज वन इंग्लिश चलेगा, ये अब हम 120 तक जाते हैं।
ये आ गई आपकी लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज वन इंग्लिश यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, अब आपको देखना है जिन बच्चों ने लैंग्वेज वन हिंदी लिया है। अब मोस्टली बच्चे यहाँ पर जो देख रहे होंगे जिन्होंने लैंग्वेज वन हिंदी लिया है, तो जो जिन बच्चों ने लैंग्वेज वन हिंदी लिया है उनका भी क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 91 से लेकर 120 तक। याद रखिएगा, लैंग्वेज वन हिंदी हो, लैंग्वेज वन इंग्लिश हो, है ना, लैंग्वेज वन आपने हिंदी लिया है, ठीक है, या लैंग्वेज वन आपने इंग्लिश लिया है, आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 91 से और एंड होंगे 120 पर। लैंग्वेज वन आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है, याद रखिएगा, लैंग्वेज वन आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है, आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 91 to 120 फॉर लैंग्वेज वन। लैंग्वेज वन कोई भी हो, या तो इंग्लिश हो आपका या तो हिंदी हो, दो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। टोटल सीटेट ने हमें कितने लैंग्वेज प्रोवाइड किए हैं, 20 लैंग्वेज उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। 20 लैंग्वेज में से हमें कोई दो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। तो जिनकी हिंदी स्ट्रांग होती है वो हिंदी को लैंग्वेज वन मानते हैं, लेके चलते हैं, और जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है वो इंग्लिश को लैंग्वेज वन, यानी लैंग्वेज वन वाले बच्चे या इधर वो हिंदी ले रहे हैं या इधर वो इंग्लिश ले रहे हैं या और कोई लैंग्वेज ले रहे हैं, जिनकी जो गुजरात वाले हैं या कहीं वाले हैं, आपको अटेम्प्ट करना है 91 नंबर क्वेश्चन से, यानी 91 to 120 तक आप अटेम्प्ट करोगे लैंग्वेज वन, है ना, और सबका कोड आपको याद रखना चाहिए। कोड 01 होता है इंग्लिश के लिए, कोड क्या होता है 01 इंग्लिश के लिए, और कोड 02 होता है हिंदी के लिए। उसी तरह अभी एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, नाम क्या है उनका, यशस्वी पटेल नाम की अभी एक गुजराती जिनका लैंग्वेज टू है, उन्होंने एक मैसेज डाला है, इन्होंने कमेंट्स किया है कि मैडम मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही हूँ, मेरे को दिक्कत आ रही है कि मैं कैसे लैंग्वेज वन को कहाँ से कहाँ किस क्वेश्चन तक करूँ और लैंग्वेज टू को किस नंबर तक करना है। तो अगर आपका, मैं आपको बता दूं कि आपका लैंग्वेज वन हिंदी है, तो आप 91 से स्टार्ट कीजिएगा, और यहाँ पे क्लियरली लिखा रहता है, आपको एक बार केयरफुली पढ़ना जरूर है, ठीक है ना, कि परीक्षा भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्न के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने हिंदी भाषा उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना है। अगर आपने यशस्वी के से मैं आप बोल रही हूँ, ये यशस्वी की तरह और भी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है जो कि देने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, और उनको ये दिक्कत आ रही है कि लैंग्वेज वन को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है बनाना है और लैंग्वेज टू को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है बनाना है, तो लैंग्वेज वन अगर हिंदी है या लैंग्वेज वन इंग्लिश है या लैंग्वेज वन अदर कोई लैंग्वेज है, तो आपको 91 से 120 नंबर का क्वेश्चन लैंग्वेज वन वाले बच्चे हो करेंगे जिनका लैंग्वेज वन कुछ भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है, कुछ भी है, लैंग्वेज टू को कहाँ से करेंगे। अब आप देख लीजिए, अगर आपका लैंग्वेज टू, आगे बढ़ेंगे लैंग्वेज टू, यानी साफ साफ वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए आगे पढ़िएगा, वहां पे लिखा रहता है कि अगर आपने केवल हिंदी को लैंग्वेज वन लिया है तो यहां से कीजिए, इंग्लिश को लैंग्वेज लिया है तो यहां से कीजिए, यानी लैंग्वेज वन वाले 91 से लेके 120 तक, मैं बार बार बोल रही हूं, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे आ गया लैंग्वेज टू। अब जिन्होंने लैंग्वेज टू लिया है, मोस्टली बच्चों का कॉम्बिनेशन आप देखोगे भारत में, हिंदी लैंग्वेज वन, इंग्लिश लैंग्वेज टू, है ना, तो अगर जिन्होंने इंग्लिश को लैंग्वेज टू के रूप में लिया है तो आपको यहां पर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट होगा लैंग्वेज टू, चाहे लैंग्वेज टू हिंदी हो, लैंग्वेज टू इंग्लिश हो, लैंग्वेज टू गुजराती हो, लैंग्वेज टू मराठी हो, आपका 121 से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा, लैंग्वेज टू 121 से स्टार्ट होता है, चाहे वो लैंग्वेज टू में आपने कोई भी भाषा रखी हो, है ना। कोड याद रखिएगा, हिंदी के लिए 02 और इंग्लिश के लिए 01। अगर आप, मैं वो जो स्टूडेंट है वो गुजरात से बिलोंग करती हैं, तो आपका गुजरात के लिए 06 होगा, है ना। तो आप एक बार जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपने लैंग्वेज अपने स्टेट का लिया है, तो उसका कोड भी आप ध्यान में रखिएगा।
गुजरात के लिए 06 है, उसी तरह अगर आसाम के हैं तो आपको 03 होगा, अगर आप बंगाल से बिलोंग करते हैं तो 04 होगा। ठीक है, तो आप लैंग्वेज टू, अगर आपने इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, आपको आपने लैंग्वेज टू में इंग्लिश रखा है तो 121 से स्टार्ट होगा आपका। यहाँ पर फिर से यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, लिखा हुआ रहता है, आप इसको पढ़िएगा जरूर। कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम भाग पांच है ये, क्वेश्चन नंबर 121 से 150 इफ दे हैव ऑप्ट फॉर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज टू ओनली। पढ़ना जरूर है। अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है या आपका उस टाइम माइंड काम नहीं कर रहा है, आप तुरंत जाके एग्जामिनर से पूछिए, जो आपके क्लास में आए हैं, है ना, जो आपके क्लास में है उनसे आप पूछिएगा जरूर कि मैडम हम क्या करें, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं मैडम हूँ, सर हूँ, आप पूछिएगा जरूर, क्योंकि एक गलती आपके 30 नंबर को लेके जा सकती है, तो इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ के अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूँ, जो लोग लैंग्वेज वन लेते हैं ना, जो लोग लैंग्वेज वन लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लैंग्वेज वन वाले जो रहेंगे ना, जैसे जो लोग लैंग्वेज टू लेंगे, चाहे वो आपके लैंग्वेज कोई भी हो, है ना, उसमें आपको दो पैसेज दिखेगा, पोयम नहीं दिखता है। देखिए आप यहाँ पे लैंग्वेज टू अगर आपने इंग्लिश लिया है, अगर आपका इंग्लिश नहीं उतना अच्छा है हिंदी के कंपेयर में, तो आपको यहाँ पे दो पैसेज देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो पैसेज दिखेंगे, ये एक आप पैसेज आ गया, है ना, और एक और पैसेज आपको मिलेगा, एक पैसेज के बाद दूसरा पैसेज आपको मिलेगा, ये देखिए एक और पैसेज, यानी दो स्टोरी टाइप की आपको मिलेगी। लेकिन आपने लैंग्वेज वन लिया है कोई भी सब्जेक्ट, तो आपको एक पोयम और एक स्टोरी मिलती है, आपको वो भी मैं एक बार दिखा दूं। ठीक है, अगर लैंग्वेज वन आपने मान लीजिए हिंदी लिया है, तो आपको एक स्टोरी मिलेगी और एक आपको पोयम मिलने वाला है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज वन जिन्होंने हिंदी लिया है, अब मैं हिंदी का एक एग्जांपल देके बताती हूँ। यहाँ पर आपको एक स्टोरी मिली, यानी एक कहानी मिली, पैसेज मिलेगा, और दूसरा आपको पोयम मिलेगा। देखिए यहाँ पे पोयम मिला, तो लैंग्वेज वन कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, है ना, मराठी हो, कोई भी हो, अगर लैंग्वेज वन है तो आपको एक स्टोरी और एक पोयम मिलेगा। लैंग्वेज वन अगर कोई भी भाषा हो तो लैंग्वेज वन में आपको एक, लैंग्वेज वन में आपको वन स्टोरी यानी और या पैसेज आप बोल सकते हो, और वन पोयम देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा कि आप लैंग्वेज वन ही ना कर रहे हो, आप ये देखना कि एक पोयम और एक स्टोरी है ना, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, लैंग्वेज टू में आपको दोनों पैसेज मिलेंगे, टू पैसेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको फिर से मैं क्वेश्चन बता दूं, लैंग्वेज वन वाले बच्चे कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 91 से 120। ठीक है, और लैंग्वेज टू वाले कहाँ से करेंगे, 121 से 150। ठीक है, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एक आपको आता है वहां पे भरने के लिए आता है, लैंग्वेज वन का कोड डालिए, लैंग्वेज टू का एक आते हैं लेके एग्जामिनर, तो वो भी आप बहुत केयरफुली पूछ के भरिएगा, समझ के भरिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए आपका, आपके एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट हाफ एन आवर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है आपके पूरे एग्जामिनेशन के लिए। कितने घंटे का होता है एग्जाम, आपका जो एग्जाम होगा वो होगा टोटल 150 मिनट्स का, है ना, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट का मतलब कितना हो गया, 150 या 160 होता है, कितना होता है, एक मिनट, देखिए अब यहां पे आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सीडीपी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सीडीपी से स्टार्ट होता है, तो अगर आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी बाल विकास बहुत स्ट्रांग है, तो सबसे पहले आप इसी को अटेम्प्ट करेंगे, है ना, अटेम्प्ट करेंगे। आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो लीव एनी क्वेश्चन, यानी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, आप सबको अटेम्प्ट करके आओगे बहुत ही केयरफुली। वहाँ पे अपने माइंड का, आपके प्रेजेंस ऑफ सेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो अगर आपकी सीडीपी स्ट्रांग है तो सबसे पहले सीडीपी करना, है ना,
जो भी सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग है उसको सबसे पहले करना। तो मेरा अगर मानना है कि जिन लोगों ने इंग्लिश हिंदी लिया है तो सबसे पहले अगर सीडीपी स्ट्रांग है तो आप सीडीपी को करिए, उसके बाद आप ईवीएस को करिए अगर आपकी ईवीएस स्ट्रांग है ना, क्योंकि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स को ध्यान में रख के चलना है। ईवीएस कीजिए, यहाँ 30 मार्क्स है आपके, ठीक है, ये भी आपको 30 मार्क्स है, और इसके बाद आप हिंदी कीजिए। अगर आपने लैंग्वेज ऑन हिंदी लिया है तो आपको यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर 90 में से अगर आप 85 भी लेकर आ जाते हो सही सही, क्योंकि आप किस किस अकॉर्डिंग कर रहे हो, आपकी सीडीपी सबसे स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे कम, अगर स्ट्रांग है तो आप मिनिमम 28 लेकर आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी आप 30 में 28 लेकर आ जाओगे, यहाँ भी 30 में आप 28 लेकर आ सकते हो इजिली, तो आप यहाँ पे सेफ जोन पे चल रहे हो। और पहला आधा घंटा अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छा चला गया तो आपका पूरा एग्जाम अच्छा जाने वाला है, आप ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैथ्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, याद रखिएगा मैथ्स को सबसे लास्ट में, क्योंकि देखिए मैथ्स क्या करता है, टाइम लेता है, और टाइम लेंगे आपने स्टार्टिंग में ही ईवीएस के बाद मैथ्स आ गया तो चलो भाई मैथ्स बना लेते हैं, है ना। ईवीएस के बाद मैथ्स आता है ना, पहले सीडीपी आएगा, फिर ईवीएस आएगा, फिर मैथ्स आएगा, फिर लैंग्वेज वन इंग्लिश आएगा, फिर लैंग्वेज वन हिंदी आएगा, फिर लैंग्वेज टू इंग्लिश आएगा, फिर लैंग्वेज टू हिंदी आता है, इस तरह से आता है। अगर आपने मैथ्स देख लिया, अगर कैलकुलेटिव मैथ्स आ गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए जो सॉल्व नहीं हो रहा, आपका दिमाग यहाँ पे खराब हो जाना है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैथ्स को सबसे, अगर आपका मैथ्स कैलकुलेशन नहीं है उतना अच्छा, तो सबसे पहले आप सेव कीजिए अपने नंबर को, कि ताकि आप क्वालिफाई तो कर जाओ, उसके बाद आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप इंग्लिश बनाओ, आप मैथ्स बनाओ, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। ये मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कीजिए अच्छे से, और आप टाइम बचा के मैथ्स के लिए कम से कम कौन घंटा रखिएगा, यानी 45 मिनट्स रखिएगा आप मैथ्स बनाने के लिए 30 मैथ्स के क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स की पेडागॉजी भी घुमा के पूछी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं इस तरह के और भी, अगर आपके मन में कुछ आपको प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मैसेज कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिस तरह से यशस्वी पटेल ने किया, मैं आपके आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑलवेज एवर। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस है, आप जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, क्वालिफाइंग एग्जाम है, डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम सीटेट जुलाई 2024, और मैं आशा करूंगी कि आपको नेक्स्ट टाइम एग्जाम ना देना पड़े, है ना। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।